मैं 1801 के अंदर मारू बंधुओं ने तमिलनाडु के अंदर और त्रिची में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष घोषित किया, उसका डिक्लेरेशन किया, उनका वो सारा संघर्ष 1-2-3 जिलों तक ही सीमित था, लेकिन उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया उसका नाम रखा जम्बू द्वीप घोषणा पत्र। उन्होंने त्रिची के अंदर एक दिन सब दीवारों के ऊपर श्रीरंगपट्टनम के मंदिर के बाहर और एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ लोगों को मिला और उसमें जम्बू द्वीप उद्घोषणा, क्या उद्घोषणा की, उन्होंने कहा जम्बू द्वीप के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, हर जाति हर वर्ग हर मतपंथ के लोगों को हम आह्वान करते हैं कि ये जो अंग्रेजों का आक्रमण है, ये अंग्रेजों का आक्रमण हमारी जमीन खींच लेगा, हमारे धर्म को समाप्त कर देगा, हमारी संस्कृति को मिटा देगा। इसके खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को देश के लड़ना चाहिए। वो मारुत बंधु अपनी जिंदगी के अंदर पूरे भारत में कभी आए नहीं होंगे। आज के इस मीडिया के युग के अंदर हमको भारत का चित्र कम से कम टेलीविजन और उन सबके सामने मिलता है, लेकिन उस कालखंड के अंदर उस क्षेत्र के अंदर वो संघर्ष करने वाला घोषणा करता है कि मैं जम्बू द्वीप के प्रत्येक व्यक्ति को आह्वान करता हूं। वो तमिलनाडु के कोने में जन्म लेने वाला है। ये जो स्वाधीनता के संघर्ष की जो प्रेरणा थी, हम तीन बातों के लिए लड़े, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य। ये स्वत्राई हमारी प्रेरणा थी, इसके लिए हम लड़ रहे थे। हम अकेले राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, केवल हमारे लोगों का राज आएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, ये नहीं, क्योंकि सबको ध्यान में आ गया था अंग्रेजों का आक्रमण केवल राज्य के लिए नहीं है। अंग्रेज पूरी दुनिया का ईसाईकरण करने निकले थे, दुनिया में जहां पर भी गए उन्होंने यही किया, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, यूरोप के अंदर भी, जिस जिस देश के अंदर वो सफल हुए वहां उनका एक ही उद्देश्य था, दुनिया का ईसाईकरण करना।